जी फ्रेंड्स, तो अब मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ जो कि रास्ता आप सरकार के मसल्ले की तरफ जाता है। तो रास्ते में ही आबशारें भी आती हैं, वही जो दूसरा प्याला मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था वो भी आता है। तो ये आप देखें, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में से होके ये रास्ता जो रास्ता है ना, ये ऊपर की तरफ जाता है। चल चल के ना, अब मुझे जो है ना गर्मी लग रही। बहुत प्यारा मंज़र है, बहुत प्यारा व्यू है। ये जगह रावलपिंडी से सिर्फ होगी तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पे ये जगह है। ये देखें आप, ये भी हम ऊपर जाएंगे, अभी काफ़ी रास्ता है। तो अभी हम यहाँ से नीचे उतरेंगे और बिल्कुल कॉर्नर से होते हुए हम ऊपर की तरफ जाएंगे। बड़े बड़े पत्थर हैं, ये हाइकिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त जगह है। ज़रूर आएँ इस जगह पे, रावलपिंडी इस्लामाबाद बिल्कुल करीब। और ये आप देखें, ये अब हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि सुबह का टाइम है। अभी यहाँ पे कोई नज़र भी नहीं आ रहा और आगे पीछे कुछ गांव के लोग हैं जो लगे हुए हैं अपना काम कर रहे हैं। ये अब यहाँ से छोटे पत्थर, बड़े पत्थर, तो बड़ी ज़बरदस्त जगह है। जो मेरे भाई, जो मेरे दोस्त हाइकिंग का शौक़ रखते हैं, उनको मैं कहूँगा कि ज़रूर आए, इस जगह का विज़िट करें। बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारी जगह है। वाह, ये अब हम पहाड़ों के बिल्कुल बीच में आन खड़े। इस टाइम अब हम पहुंच चुके हैं आप सरकार की, इमाम बरी सरकार की मसल्ले गाह पर। ये आप सरकार का मसल्ला है जहाँ पे अभी हम पहुंचे हैं। आपको चल के दिखाते हैं। ये आप सरकार का मसल्ला है, आप सरकार की इबादतगाह है। ये आप देख सकते हैं, परचम मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का भी जो है अलम पाक लगा हुआ है। और ये आप सरकार की जो है इबादतगाह है। तो ये पीछे मेरे छोटी सी, ये पुरानी, बहुत पुरानी मस्जिद है यहाँ की। ये आप देखें, ये भी हम बिल्कुल पहाड़ों के बीच में मैं आ चुका हूँ। ये आप देखें, तो अभी हम यहाँ से चलते हैं आपको लेके ऊपर की तरफ। तो मेरे पास कुछ खाने पीने का सामान है हाथ में। तो यहाँ पे बांदर भी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा तादाद में है। वो तो खाने पीने की चीज़ें देख के ऐसे हमला करते हैं जैसे उनके बाप का माल हो। तो कोशिश करते हैं कि उनसे बच के निकल जाएं। हालांकि मैंने कपड़ा तो लगाया हुआ है तो देखते हैं अब आगे चल के। ये अब हम मसल्ले से ऊपर की तरफ निकल आए हैं। तो कोशिश करूंगा कि इस सारी जगह को आज ही मैं कवर कर लूं, क्योंकि ये बहुत लंबी जो है मंजिल है। वो देखें आप, वो सामने वाला पहाड़ भी, इन दोनों के बीच में से गुज़र के हम आगे की तरफ बढ़ेंगे।
भाई मौसम चेंज हो गया है, गर्मी जो है ना आज मुझे पता चल रहा है कि गर्मी हो गई है वाकई, क्योंकि इतना पैदल चलने के बावजूद मुझे क्या भाई चश्मा भाई अभी ऊपर है। तो फ्रेंड्स अभी हम दूसरे प्याले तक तकरीबन पहुंच चुके हैं, तो अभी भूख भी लग रही है और थक भी गया हूँ, तो यहाँ थोड़ी देर अब मैं रेस्ट करूँगा या आप देखें। तो अभी ये पहाड़ी क्रॉस करनी है, आगे फिर मज़ीद आगे चलेंगे, लेकिन आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी इंशाल्लाह अल्लाह ताला। इजाज़त दीजिए मुझे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।